नमस्कार मंडली, कैसे हो सब? सही। तो आज के दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हुई। मैंने जो कल बोला था कि मुझे चेंज बनानी है, हैबिट बनाना है, ये वो, तो कल रात को थोड़ा लेट सो गए, तो इसकी वजह से लेट उठे। मैंने सोचा जल्दी उठूंगा तो फिर से दिन भर फिर और क्या बोलते हैं लेजीनेस होगी तो बेटर, मैं थोड़ा लेट उठकर सेटल कर लूँ और फिर कल से स्टार्ट करेंगे वो हैबिट जो मुझे बनाना है। ओके, तो दैट्स द डे स्टार्ट, क्या बोलते आज के दिन की शुरुआत ऐसी हुई है। और अभी थोड़ा एक राउंड वॉकिंग का राउंड लगाना है हमारी सोसाइटी में, एक स्मॉल सोसाइटी है, इधर कुछ ज़्यादा पब्लिक नहीं रहती, तो जस्ट नॉर्मल सा वॉक करते हैं एंड स्टार्ट जंप रोप। बाय। तो पानी दिया है ट्रीज को और क्या, ये जो ट्री गार्ड लगा है 100 बार गिर रहे यार। बताए ये परसों गिरा था, ये उसके पहले गिरा था, वो भी गिरा था, फिर पत्थर वत्थर लगा कर एकदम सही से रख के है। अब देखते हैं क्या होता है, बट ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हो रही है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। इसकी भी सही हो रही कह सकते हैं, बहुत स्लोली हो रहा है। जैसे नीम की ग्रोथ दिखती है ना, वैसे किसी पेड़ की नहीं दिख रही है। इसकी देखो, इसको गाय ने खाया था तभी इतना था, अभी इतना बढ़ गया, दैट्स गुड। और आम की तो ग्रोथ ही नहीं हो रही, मैं आई थिंक उनको क्या ही बोले। और कल परसों इसको फिर से गाय ने खा लिया, क्या ही करें। So this is the fourth day and it's going good. आज का दिन उतना है, मतलब क्या बोलते हैं, हारने का ईजिली मैंने 2000 जंप रोप किए, क्या फीलिंग गुड, ग्रेट सक्सेस। बाय। कैसे दोस्तों सबसे ना, तो अभी बजे शाम के 6 और रोज़ा बना रही चाय। क्यों ऐसे? क्योंकि बहुत ऐसा लेजीनेस आ रही है और बाहर बहुत अच्छी बारिश भी आ रही है इसकी वजह से। ओके, और क्या, और कुछ नहीं, चाय पियेंगे एंड देन विल गो अहेड। तो दोस्तों हम ऐसे, मैं और रोज़ा ऐसे टाइम पास कर रहे थे, तो ऐसे पुराने शेर व शायरी, मतलब ऐसे राइमिंग के शेर व शायरी बना रहे थे। तो रोज़ा पास टाइम में शेर व शायरी लिखती थी, ऐसा बोलती थी, बट अभी जब बात चल रही थी तब एक शायरी हम दोनों ने ऐसे बैठ बैठ के एक बन गई। तो इट्स लाइक कि ये सीन है कि उसके पहले, मतलब आगे जाने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या सीन क्या है, बैकग्राउंड होता क्या है। कि बहुत बार ऐसा सिचुएशन आती है, लड़का हो लड़की हो, हम किसी को दिल से चाहते हैं और हम एक्सप्रेस नहीं हो पाते। ओके, एंड सम हाउ वो टाइम निकल जाता है एंड देन हम ये पछताते हैं कि क्या यार क्या होता अगर मैं उससे या उस लड़की से, उस लड़के से मैं बात करता या करती। तो उसके ऊपर ये शायरी है, इज़ लाइक कि बीते हुए वक्त से मैं हर बार ये सवाल पूछता हूँ कि क्या होता अगर मैं खामोश ना होता। मुझे तो अच्छा लगा, तुम्हें अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना। क्या सही बना है ना? एकदम खतरनाक लग रहा है नहीं?